नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंतराज मैथमेटिक्स में। दोस्तों ठीक सुबह के 10 बज चुके हैं और आपको पता है कि सुबह 10 बजे अपना टाइम टेबल के अनुसार कला संस्कृति का टेस्ट शुरू होने वाला है। तो दोस्तों कला संस्कृति के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आ चुका हूं आपके लिए, और आज हम जो बात करेंगे दोस्तों वो त्यौहारों और मेलों की करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, त्यौहार और मेलों की बात करने वाले हैं, तो दोस्तों जुड़ जाइए मेरे साथ में मेरे प्यारे साथियों, मज़ा आने वाला है आज की इस टेस्ट सीरीज़ में। एक बार सभी लोग जितने लोग भी आ चुके हैं लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी मित्रों के साथ में। कला संस्कृति के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, सब लोगों को शेयर कर दीजिए, और 30 में से आपके कितने सही होते हैं यह आपको लास्ट में बता कर ही जाना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 40 तक की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अपना क्या है, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? ऑप्शन है हिंडोन सिटी, करौली, ब्यावर या चाकसू। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में कि बादशाह का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है, किस शहर में। तो बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यावर। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है? ब्यावर में बढ़ता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगला देखना दोस्तों। 11वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आए हुए हैं एग्जाम में। किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका कच्छी घोड़ी नृत्य, बम नृत्य, 13 ताली नृत्य या गवरी नृत्य। तो प्यारे साथियों इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 11वें का राइट आंसर हो जाएगा कच्छी घोड़ी नृत्य। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। झांझ नामक वाद्य यंत्र का कच्छी घोड़ी नृत्य के साथ प्रयोग किया जाता है। अगला देखना दोस्तों, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला लगता है? तिलवाड़ा का मेला किस लोक देवता की स्मृति में लगता है? ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों हरबू जी, पाबू जी, गोगा जी या मल्लीनाथ जी। जल्दी से बता दीजिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। ऑप्शनों के अनुसार किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला बढ़ता है? चलिए किसकी याद में? मल्लीनाथ जी की स्मृति में। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मल्लीनाथ जी की स्मृति में तिलवाड़ा में मेला बढ़ता है। राइट आंसर चौथा ऑप्शन। अगला देखना दोस्तों, जयपुर जिले के लुण्यावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंदिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? कौन सा मेला लगता है वहां पर लुण्यावास ग्राम में जयपुर के? गायों का मेला, भैंसों का मेला, ऊँटों का मेला या गधों का मेला। दोस्तों 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोगों को एकदम सही और सटीक कमेंट करना है दोस्तों। 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 13वें का राइट आंसर हो जाएगा गद्दों का मेला। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा मेला बढ़ता है? गद्दों का मेला जयपुर के लुणियावास ग्राम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखें। 14वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तेजाजी का मुख्य मेला आयोजित होता है कहाँ पर? गोट मांगलोद, नागौर, मेड़ता या परबतसर। जल्दी से बताइए दोस्तों कि तेजाजी का मुख्य मेला कहाँ पर आयोजित होता है? सबसे लोकप्रिय देवता के रूप में माने जाते हैं, पंच पीरों में शामिल नहीं है तेजाजी, गोट मांगलोद, नागौर, मेड़ता या परबतसर। तो प्यारे साथियों जितने लोग भी चौथा ऑप्शन कमेंट करे हैं बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। परबतसर में इनका मुख्य मेला आयोजित होता है, वीर तेजाजी का। ठीक है, अगला देखना दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला लगता है? तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है किसकी स्मृति में? मल्लीनाथ जी, गोगा जी, तेजा जी या रामदेव जी। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मेरे प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 मल्लीनाथ जी पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारे के सारे सवाल किसी ना किसी भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है। तो मेरे प्यारे साथियों आप लास्ट तक इस लाइव सेशन को ज्वाइन करके रखना, और 30 में से आपकी कला संस्कृति की कितनी तैयारी आंकलन हो जाएगा, 30 में से कितने सही होते हैं वह भी लास्ट में बताना है। पहली बार जो भी लोग जुड़े हैं लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 16वां क्वेश्चन है, बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है आपका टोंक जिला, सवाई माधोपुर जिला, अलवर जिला या जयपुर जिला। जल्दी से बताइए कि बाण गंगा का मेला कहाँ पर आयोजित होता है मेरे प्यारे साथियों। 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, बाण गंगा का मेला कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? टोंक जिला। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला देखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नलिखित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? जो तेजाजी पशु मेला लगता है दोस्तों वह किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके चोकला भेड़, मुर्रा भैंस, नाचना ऊँट या नागौरी गाय। जल्दी से बताइए 17वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी से कमेंट करना है सभी दोस्तों को। चलिए 17वें का राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नागौरी गाय या नागौरी बैल कह सकते हैं। नागौरी गाय या नागौरी बैलों के लिए वीर तेजाजी पशु मेला प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला देखें दोस्तों 18वां क्वेश्चन, वह जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतरी मेला लगता है कौन सा है? दौसा, अलवर, भरतपुर या जयपुर। भरतरी का प्रसिद्ध मेला कौन से ज़िले में लगता है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी दोस्तों को कमेंट करना है मेरे प्यारे साथियों। जितने लोग भी लाइव हैं लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सेशन को मज़ा आने वाला है आज के सेशन में। चलिए 18वें का करेक्ट आंसर अलवर हो जाएगा। काफ़ी लोगों ने बता दिया है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। 19वां क्वेश्चन देखें मेरे प्यारे साथियों। 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? मैंने आपको पढ़ाए थे दोस्तों वर्ष में 1 से अधिक बार आयोजित होने वाले मेले। ऑप्शन है करणी माता, बाण गंगा, श्री महावीर जी या केला देवी। जल्दी से बताइए 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? 19वें का राइट आंसर बताना मेरे प्यारे साथियों। चलिए 19वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों करणी माता का मेला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 20वां प्रश्न देखना दोस्तों, करणी माता का मेला कहाँ लगता है? पाली, अजमेर, बीकानेर या जोधपुर। जल्दी से बताएंगे। बहुत सरल सवाल पूछ लिया है सर आपने तो, कि करणी माता का मेला दोस्तों आया हुआ है 2015 में, ध्यान रखना है। करणी माता का मेला कहाँ लगता है? जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे। सभी दोस्तों को आ रहा है, मुझे पता है ये प्रश्न। चलिए बहुत बढ़िया। कहाँ पर? बीकानेर में आयोजित होता है। कहाँ लगता है दोस्तों? बीकानेर में। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वें क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ता हूं दोस्तों मेरे प्यारे साथियों। 21वां क्वेश्चन आपके सामने है, सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसिन में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? अब आपसे तिथि पूछी है। ऑप्शन पहला है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, दूसरा है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, तीसरा है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, चौथा है भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। 21वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा में प्रतिवर्ष किस समय लगता है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे। राइट आंसर 21वें का क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करना है। चलिए 21वें का राइट आंसर दूसरा ऑप्शन रहेगा, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को ये मेला लगता है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखना दोस्तों 22वां क्वेश्चन, तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है नागौर, मेड़ता, गोट मांगलोद या परबतसर। जल्दी से बताइए दोस्तों तेजाजी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। वापस आ चुका ये क्वेश्चन, अभी कर लिया था हमने पहले, क्योंकि RS Pre 2015 में भी आया है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट है। परबतसर इसका राइट आंसर रहेगा, पहले भी आ चुका है ये। परबतसर करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, 23वां क्वेश्चन देखना दोस्तों, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? प्रयोगशाला सहायक 2016 में आया हुआ है कि सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है दोस्तों। गरासिया, भीलमीणा, शहरिया या कालबेलिया। जल्दी से बताइए दोस्तों 23वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। सभी लोगों को कमेंट करना है 23वें का। चलिए 23वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 शहरिया। यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, शहरिया जनजाति का मेला लगता है। 24वां क्वेश्चन देखना, प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है? बदेसर, बटनेर, देशनोक या रुणेचा। जल्दी से बताइए रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है दोस्तों? बदेसर, बटनेर, देशनोक या रुणेचा। जल्दी से बता दीजिए 24वें का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन क्रमांक 24 का राइट आंसर रहेगा रुणेचा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुणेचा में लगता है दोस्तों। ठीक है। अगला देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कपिल मुनि का मेला कहाँ वे कब लगता है? दोनों चीज़ें एक साथ पूछ ली है। थर्ड ग्रेड टीचर 2013 में ये सवाल आ चुका है। कपिल मुनि का मेला कहाँ वे कब लगता है? ऑप्शन है आपके उमेद सागर जोधपुर कार्तिक पूर्णिमा, कोलायत बीकानेर कार्तिक पूर्णिमा, पुष्कर अजमेर कार्तिक पूर्णिमा या मातृकुंड या चित्तौड़ कार्तिक पूर्णिमा। जल्दी से बता दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है मेरे प्यारे साथियों। 25वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलायत बीकानेर में लगता है कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। बाबा रामदेव का मेला कौन से माह में लगता है? बाबा रामदेव का मेला जो रूणीचा में लगता है कौन से महीने में लगता है? चैत्र, भाद्रपद, फाल्गुन या माघ। जल्दी से कमेंट करेंगे 26वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों। 26वें क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। चलिए, कब लगता है? भाद्रपद में लगता है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भावी शिक्षकों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि बाबा रामदेव का मेला, ठीक है, कौन से महीने में लगता है? भाद्रपद, ये हो चुका है दोस्तों। आगे बढ़ें। तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है, ये भी दोस्तों रिपीट क्वेश्चन हो चुका है 28वां। परबतसर इसका राइट आंसर है, सभी को पता है, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में आए हुए हैं इसलिए बार बार आपके सामने आ रहे हैं। 29वां क्वेश्चन देखना, निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। RSRTS 2012 में आ चुका है। बेनेश्वर मेला डूंगरपुर, बादशाह का मेला ब्यावर, मरु महोत्सव बाड़मेर, गोतमेश्वर का मेला सिरोही। इनमें से गलत युग्म कौन सा है? 29वें में कौन राइट आंसर बताता है सबसे पहले और सटीक राइट आंसर कौन बताता है दोस्तों, ये देखना है। सभी दोस्तों को जल्दी से कमेंट करना है मेरे प्यारे साथियों, मज़ा आने वाला इस लाइव टेस्ट के दौरान। 29वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। चलिए 29वें का क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, मरु महोत्सव ये वाला बाड़मेर, बाड़मेर में नहीं जैसलमेर में शुरुआत होती है मरु महोत्सव की, तो ये गलत युग में है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला देखना दोस्तों, 30वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म पशु मेले से संबंधित है? मल्लीनाथ तिलवाड़ा, बलदेव मेला नागौर, रामदेव मेला रामदेवरा, तेजा मेला पुष्कर। कौन सा पशु मेलों से संबंधित है ये बताना है। कितने लोगों का सही होता है देखते हैं अभी, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, बलदेव पशु मेला नागौर। ठीक है, ठीक है ना, ये रहेगा इसका राइट आंसर। अगला देखना दोस्तों, 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, बादशाह का मेला ब्यावर, मरु महोत्सव बाड़मेर, गोतमेश्वर मेला सिरोही। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, मरु महोत्सव कहाँ है? जैसलमेर में लगता है दोस्तों, कहाँ लगता है? जैसलमेर में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। 32वां क्वेश्चन देखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है कब? किसके द्वारा ये पूछा है, सॉरी, परनामी पंथ के द्वारा, वल्लभ पंथ के द्वारा, रामसनेही पंथ द्वारा या सतनामी पंथ द्वारा? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, फूल डोल उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? कौन से पंथ के द्वारा मनाया जाता है? 32वें का राइट आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर। चलिए चलिए चलिए, क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, रामसनेही पंथ द्वारा मनाया जाता है दोस्तों, रामसनेही पंथ द्वारा, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। 33वां क्वेश्चन देखना, राजस्थान के किस जिले में सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? कौन सा जिला है जिसमें राजस्थान में सरकार जो है सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करवाती है? अजमेर, नागौर, बाड़मेर या बीकानेर? जल्दी से बता दीजिए। 33 का राइट आंसर। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में आए हुए हैं वो लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए। चलिए 33वें का बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या रहेगा? नागौर। कहाँ पर करवाती है? नागौर में सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं दोस्तों, नागौर करेक्ट आंसर रहेगा, दूसरा ऑप्शन। अगला देखना दोस्तों, वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है, फिर सेकेंड ग्रेड टीचर 2010 में आया हुआ है दोस्तों, क्या हो जाएगा? परबतसर करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखो, देखो लोक देवता तेजाजी को कहाँ के मेले में याद किया जाता है? ये क्वेश्चन देखना दोस्तों, देशनोक, परबतसर, पुष्कर या पोखरण? जल्दी से बताइए। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताइए। 35वें का प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। चलिए क्या रहेगा, परबतसर के मेले में याद किया जाता है वीर तेजा जी को, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, कपिल मुनि मेला लगता है पुष्कर में, कोलायत में, गोगा मेड़ी में या मुकाम में। जल्दी से बताइए दोस्तों, कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है। चलिए 36वें का राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। सभी मेरे प्यारे साथियों को कमेंट करना है, बड़े मन लगा के तैयारी करनी है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, कोलायत यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलायत, ठीक है। अगला देखना दोस्तों 37वां, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेनेश्वर किस जिले में आयोजित होता है। ईओ 2008 में आया हुआ है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या 12, कौन से जिले में आयोजित होता है आदिवासी मेला बेनेश्वर, जल्दी से बताइए। 37वें का राइट आंसर, क्वेश्चन क्रमांक 36, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, डूंगरपुर में बढ़ता है दोस्तों। कहाँ बढ़ता है, डूंगरपुर में। चलिए अगला 38वां क्वेश्चन है, बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है। करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर या भरतपुर। पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 38वें का राइट आंसर बताइए। 38वें का राइट आंसर, चलिए क्या रहेगा, धौलपुर आपका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखना दोस्तों, राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है। पुष्कर मेले का आयोजन कब होता है दोस्तों, कार्तिक में, वैशाख में, चैत्र में या फाल्गुन में। जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कार्तिक पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का मेरे प्यारे साथियों, तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है, तेजा दशमी कब आती है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार के क्वेश्चन बीएसटी से और पीटीटी में आते हुए दिखाई देते हैं दोस्तों। तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है, तेजा दशमी कब आती है। ऑप्शन है श्रावण शुक्ला दशमी को, भाद्रपद शुक्ला दशमी को, आश्विन शुक्ला दशमी को या कार्तिक कृष्ण दशमी को। जल्दी से बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, तेजा दशमी कब आती है। चलिए कब आती है दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों 30 हमने प्रश्न देखे क्लास संस्कृति में त्यौहार और मेलों से संबंधित। 30 में से आपके कितने सही हुए, जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को कमेंट करके बताना है 30 में से आपके कितने सही हुए दोस्तों। 30 में से मेरे प्यारे साथियों कितने सही हुए, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, तो दोस्तों ये था कला संस्कृति का टेस्ट, ठीक है। तो इसी प्रकार से 10 बजे रोज कला संस्कृति का आप टेस्ट लगेगा मेरे प्यारे साथियों। 30 से 50 क्वेश्चनों के बीच में हम डेली क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मिलते हैं कल की लाइव क्लास में। अभी तक आपने रेवंतराज मैथमेटिक्स टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो वहाँ ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको पहले टॉपिक बता दिया जाता है कि कौन से टॉपिक का टेस्ट कल होगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं लाइव सेशन के दौरान, तब तक सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।